कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणाद् भवेन्न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये तो हम लोगों ने पिछले श्लोक में देखा था कि ईश्वर स्वरूप जो जगदीश्वर से ऐक्य का ज्ञान प्राप्त कर चुके हमारे गुरुदेव हैं उनके संकल्प मात्र से सृष्टि होती है। पूरी सृष्टि उनके संकल्प से अभिव्यक्त होती है। संकल्प ही वो बीज है जिससे सृष्टि रूपी अंकुर प्रस्फुटित हुआ करता है। ये सृष्टि किसी और ने बनाई नहीं, कहीं और से आई नहीं, न यहां पे मसाला कहीं और से आया है, न यहां बनाने वाला कहीं और से आया है। ये जिसका संकल्प है उस संकल्प के अंतर्गत की निहित शक्ति सामर्थ्य और उपादान है, जो मटेरियल है, जो पूरा प्लान है, जो इसका रूप है। सृष्टि का स्वरूप ऐसा ही है कि ये सब संकल्प के अंदर ही निहित होता है। इसमें हमको बहुत आश्चर्य नहीं करना चाहिए, यद्यपि जब हम लोग प्रारंभ में सुनते हैं तो आश्चर्य लगता है, बड़ी नई चीज लगती है, लेकिन जब जब नया लगे तो उसको ईश्वर के दृष्टिकोण से आप देखें तो समाधान हो जाएगा। और उसी ईश्वर से एकता की धीमे धीमे बात घटित होती है। हमारे ज्ञान के अंतर्गत हम अपने भगवान से एकता प्राप्त करते चले जाते हैं। और इसीलिए अब जो ईश्वर स्वरूपा हो जाते हैं उनके दृष्टिकोण से हमको अब कोई आश्चर्य नहीं लगता है। तो ऐसे जो है पूरी सृष्टि, इसीलिए देखिए हम लोग अपनी संस्कृति को देखें, परंपराओं को देखें, अनेकों लोग हम लोगों के रहते हैं जहां संस्कृति जिंदा है, गांव में, वहां पर अगर आप जाएं तो किसी को कोई कष्ट हो ना तो बोलता है महाराज जी आप बोल दो हो जाएगा, नहीं हम नहीं बोलेंगे, नहीं नहीं आप बोल दो हो जाएगा, नहीं हम तो नहीं बोलेंगे, हम क्यों बोले हैं, जो होना होगा अच्छा ही होगा, नहीं 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 आप बोल दिए हो जाएगा। ऐसा आग्रह करने वाले, इस प्रकार से निवेदन करने वाले, इस प्रकार से रिक्वेस्ट करने वालों की दृष्टि पता क्या है कि आप लोगों के संकल्प में बड़ी दृढ़ता है, आप जो भी सोचते हो होता है। वो मन के अंदर अगर ये बात आ जाती है तो ये उपनिषद प्रतिपाद्य जगत के सिद्धांत हैं कि सदैव सृष्टि संकल्प पे आश्रित हुआ करती है। वो लोग कोई और हैं, वो पश्चिम देश की संस्कृति होगी, विचार होगा, मूर्खता होगी, अज्ञान होगा, निराधार होगा, जहां पे हम सृष्टि को एक स्वतंत्र एंटिटी समझते हुए इसके पटाखे की खोज करा करते हैं। यहां पर पटाखा हुआ, यहां पे गॉड पार्टिकल था, भैया हे बहिना ये गॉड पार्टिकल था, और गॉड पार्टिकल से ये सब चीजें जो है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये सब उसी से बनते हैं। बोसॉन, बोसॉन वो हमारे देश के थे, प्रोफेसर बोस,
कौन से हुआ बोसान, अब हमने क्या देश से जुड़ गया, अब तो बोसान बोसान का जब चलता है। और उन लोगों की जब महिमा गाई गई तो हमारे बोसान की चर्चा ही नहीं हुई और उसी में अटक गए जाके। यद्यपि यहाँ पे कोई जीवन में किसी चीज का शोध करे उसमें हमको कोई इतराज नहीं है, हम तो प्रत्येक ज्ञान की इज्जत करते हैं, वंदना करते हैं, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि तुम सृष्टि का रहस्य अपने बाहर ढूंढ रहे हो। और हम लोगों का जीवन में जो दर्शन है, जो सिद्धांत है, वो ये है दृष्टा की दृष्टि से दृश्य उत्पन्न होता है, इसको बोलते हैं दृष्टि सृष्टिवाद। सपना आपके देखने वाले की वजह से उत्पन्न होता है, सपना कहीं रखा हुआ था, आप जाके वहां देखते नहीं हो। और अगर बाय द वे ऐसा होता तो बोलते हैं अभी आता हूं, कल निपट लूंगा। कोई है ही नहीं आपसे स्वतंत्र, आप खुद पहले बनाओ, थोड़े दिन रमो, थोड़ी देर मजा लो, उसके उपरांत निष्ठुर अलार्म सब जगा देता है, सब कचरा कर देता है, सब आप जो है क्लाइमेक्स पे पहुंचे तो उस समय टन उस समय आ जाती है। जो जानते हैं कोई चिंता नहीं करते हैं, अरे सब हमारे मन की कहानी है, फिर से बना लेंगे। तो जगत की उत्पत्ति केवल किसी के संकल्प से होती है, अगर आप समझ सको तो आपके संकल्प से हो जाए। हम तो आपको ऐसे ही सक्षम बना के जीना की प्रेरणा देना चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आज आप उस प्रकार से इमीडिएटली समर्थ नहीं है, कोई चिंता मत करो, कम से कम इसी ही को वास्तविक ज्ञान समझो, इसी को अपने गुरु की विशिष्टता देखो, यहां से प्रारंभ करो। और ये देखो कि अगर उनका आशीर्वाद मिल जाता है तो कुछ भी चीज असंभव नहीं होती, ये विश्वास करो, ये बहुत सही बात है, इसमें कोई झूठ बात नहीं, इसमें कोई अंधश्रद्धा नहीं है। अरे दूसरों की बात क्या करें, हम तो बोलते हैं यार तुम संकल्प करके देखो, किसी संकल्प में दृढ़ रह के देखो, एक चीज का प्रयोग करके देखो, मन के अंदर दिलो जान से निश्चय करके देखो कि यह कार्य करना है। अगर तुम संकल्प को स्पष्टता से करोगे, दृढ़ता से करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, समर्पित रहोगे, पूरी दुनिया की शक्तियां आपके फेवर में आने लगती हैं, आपको यह अद्भुत अनुभव होता हुआ करता है। और अगर नहीं हो रहा है तो सही बात इतना है कि हमारे मन में कुछ अभी शंका है, संदेह है, कमजोरी है, इसीलिए किसी की शिकवे शिकायतें मत करो। तुम्हारे संकल्प की दृढ़ता, संकल्प की दृढ़ता हुआ करती है समस्त अवरोधों के बावजूद। ये मत बोलना भगवान आना चाहते हैं, अब क्या करें, पहाड़ के ऊपर आपका बैठे जाके, नीचे आ जाओ ना, हम भी दर्शन के लिए आते हैं, बोलते तो तुम्हारी इच्छा ही नहीं है। तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे संकल्प की महिमा उस चीज में होती है कि अवरोधों के बावजूद जाया जाता है, तो ही संकल्प की परीक्षा होती है ना। और संकल्प ऐसा करना सीखो, छोटा छोटा सीखो, वहीं से चालू करो। और देखिए जो व्रत होते हैं, व्रत के क्या प्रयोजन होता है आपको पता है? व्रत का प्रयोजन होता है संकल्प शक्ति की दृढ़ता करवाना। व्रत का प्रयोजन ये नहीं होता हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, एक दिन तो संडे दो पेट को, खा खा के बिचारे के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं देते हो, एक लंच पचा नहीं, चाय में फिर समोसे आ गए, समोसे पचे नहीं तो पता लगा फिर से रात को कचौड़ी आ गई, हैं? सवेरे एसिडिटी नहीं होगी तो यार क्या होगा। तो सब लोग बोलते हैं भैया देखो हमारे मनीषी लोग बड़े हेल्थ कॉन्शियस थे और इसीलिए तुम लोगों को साल में कम से कम हफ्ते में एक व्रत कहा गया था। जो लोग व्रत की इस प्रकार की महिमा बताते हैं वो व्रत के रहस्यों से अनभिज्ञ होते हैं। व्रत का प्रयोजन होता है आपके संकल्प शक्ति की दृढ़ता, आपके विल पावर की दृढ़ता। संकल्प शक्ति विल पावर है।
आदत पड़ी है गई है खाने की, आप ही निश्चय करो, जो चाहो निश्चय करो, हम नहीं बोलेंगे, जितना कर सकते उतना करो। लेकिन एक तरफ से हमारी आदतों का प्रवाह है, दूसरी तरफ से आपके ही संकल्प निश्चय की महिमा है, किसकी जीत होती है हमको देखना है। या तो अपनी आदतों के प्रवाह में बहते चले जाओ, स्वच्छंद होके स्वभाव के वशीभूत होके प्रवाहित होते जाओ, या तो कुछ भी निश्चय करो विपरीत विलक्षण भिन्न, और उसमें दृढ़ता रखने का तुम अपना सामर्थ्य का परिचय दो। आज हमको जो है वह शक्कर नहीं खानी, आज अनाज नहीं खाना है, अन्न नहीं खाना है। नॉर्मल हम लोगों के व्रत बहुत अच्छे होते हैं वैसे भी, आजकल लोगों को इतने बढ़िया बढ़िया व्रत दिखाए जाते हैं कि बोलते हैं। एक सज्जन यहाँ आए थे हमारे जन्माष्टमी के दिन, वो आके उन्होंने जब देखा, हम बोला चलो भाई थोड़ा फलाहार कर लो, तो उसने सोचा ठीक है गुरु जी फल वल खाएंगे। अब पता फलाहार में क्या था, पूड़ी हलवा सब फलाहार का था। नमस्कार ऐसी क्रिएटिविटी को कि कोई अन्न यूज नहीं करा गया है और पूरा 56 भोग रेडी है। महाराज फलाहार ग्रहण कर लो, हमने सोचा शायद कोई केला मिलेगा, कोई फल मिले, कोई सेब मिलेगा, कोई तो उनकी आंखें फटी रह गई। बोलते हैं गुरु जी आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट, आप प्लीज हमको बताइए ये कैसा आप लोग भोजन कर रहे हैं। हमने बोला देखो आपको व्रत के बारे में, बोलते हैं हमारी श्रीमती जी हमको केवल फल खिलाती हैं, गुरुजी कुछ नहीं खिलाती उस समय, हम उनको भी बताएंगे जाएंगे कि ऐसा भी फलाहार होता। अभी देखिए आने वाला है परसों शिवरात्रि के दिन, आज 25 तारीख हो गई ना, हाँ कल ही दिन बचा हम लोग का। हरिओम हरिओम हरिओम। Anyway, कोई बात नहीं, तो वो जो है अभी शिवरात्रि में आएगा, सब लोग को व्रत रहना है उससे जितने लोग आए, लेकिन चिंता मत करना यहाँ का फलाहार है वो। अन्न नहीं खिलाएंगे आपको हम, बिल्कुल नहीं खिलाएंगे, आप चाहो बिल्कुल नहीं देने वाले। ए स्वामी जी भूखे मर जाएंगे, वो भी नहीं मरोगे, हम आपको गारंटी देते हैं। आपको फलाहार में पूड़ी भी खिलाएंगे, सब्जी भी खिलाएंगे, हलवा भी खिलाएंगे। तो व्रत मतलब जो चीज भी हम नॉर्मली करते हैं उससे थोड़ा कुछ ना कुछ सोच लो, आज हम अन्न नहीं खाएंगे, आज हम शुगर नहीं खाएंगे, आज हम ऑयल नहीं लेंगे, आज हम चलो केवल फल लेंगे या कोई निर्जला लेते हैं, या पानी भी नहीं लेंगे, कोई केवल पानी लेंगे, कोई चलो आज सवेरे से शाम तक नींबू पानी और वही हम लेंगे और पूरा शरीर को साफ करें। कोई भी व्रत जैसा आपका विवेक हो, लेकिन व्रत मतलब क्या होता है, एक चीज का संकल्प दृढ़ करो, इसलिए छोटे छोटे संकल्प से प्रारंभ करो, बड़े बड़े मत लिया करो जल्दी से, फिर हमारा आत्मविश्वास आत्मबल कम हो जाता है, इसे धीमे धीमे छोटा छोटा संकल्प। लेकिन संकल्प जो भी लो उस संकल्प में सच्चे रहो, तुम्हारे संकल्प की विजय होनी चाहिए, न कि तुम्हारे स्वभाव और आदतों की विजय होनी चाहिए। इस प्रकार से सक्षम होना, इस हिसाब से अपने आप को एम्पावर करना, यही आपके विल पावर को बनाने का बढ़ाने का तरीका हो जाता है। जो चीजों की पराधीनता हो, बहुत ज्यादा आदत है तुमको चाय पीने की, एक दिन छोड़ो। देखो हमको डर लगता है, पता नहीं हम सर में दर्द होगा रह पाएंगे नहीं, हमारा पेट साफ होगा कि नहीं, तुम कोशिश करो विकल्प रखो। सब लोगों के थोड़ी ऐसा जो है बगैर चाय के जीवन ही खत्म हो जाता है, हमारी पराधीनता है, आसक्ति हो गई है, स्वतंत्र होके जियो, तुमको जो करना है करो, लेकिन पराधीन मत हो। संकल्प को दृढ़ करो, संकल्प में सच्चे रहो, व्रत ले लो, अगर कुछ भी वचन दे दो, प्राण जाए पर वचन न जाई, ऐसा व्यक्तित्व वो आदर्श है को, सत्य में व जयते, जो एक बार हमने बोल दिया सच होना है वो होना चाहिए,
ऐसा तुम्हारा व्यक्तित्व, किसी का रिश्ता पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, सुख दुख में निभाना, भीष्म पितामह जी की तरह से तुम्हारी यश कीर्ति खत्म हो जाएगी तो भी अपने वचन से मत हिलना। भीष्म पितामह जी की यही महिमा थी, उन्होंने बोल दिया जो इस गादी पे बैठेगा उसका हम साथ निभाएंगे, और ऐसे नालायक और दुष्ट लोग आके बैठे कि उनको शर्म आने लगी, यार कहां हमने ले लिया है? लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास चॉइस है कि या तो हम जो है अपने संकल्प को तोड़ दें या हमारे यश और कीर्ति की चिंता छोड़ दें। तो हमको स्वीकार है कि हमको यश कीर्ति की चिंता नहीं, हमारे वचन की प्रतिबद्धता ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम सत्य संकल्प ही रहेंगे। बहुत बड़ा लेसन दुनिया को देखे गए हैं, बोलते हैं देखो उतार चढ़ाव, थोड़ी बहुत खुशी गम की चिंता मत करो, जो सत्य में, जो संकल्प में सत्य रहता है वो व्यक्ति ही महान होता है। और भी हम लोगों को लेसन उनसे मिलते हैं, बोलते हैं जल्दी जल्दी जो है ना वो किसी के साथ जो है व्रत लेना भी मत, व्रत सोच समझ के लेना, गद्दी से कुर्सी से तुम्हारा व्रत नहीं होना चाहिए, सत्य से होना चाहिए, व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए, धर्म के साथ होना चाहिए। आपको पता है हम लोग जिस समय शादी का जो हम लोगों का संस्कार होता है उसके अंदर भगवान को साक्षी मान के धर्म के नाम पे हम लोग एक दूसरे पति पत्नी एक दूसरे को धर्म के पथ पे चलाने के लिए भगवान के सामने प्रतिज्ञा लेते हैं, बस लेते संस्कृत में यही रगड़ा है, पता ही नहीं क्या लेके गए वहां पे, सप्तपदी सात कदम वो भी चलना, सब एक से एक बढ़िया उसके अंदर संकल्प होते हैं। आजकल के कुछ मॉडर्न पंडित लोग समझाते भी जाते हैं कि भैया ये पढ़ा है तुमने, ये बोला ध्यान रखना, बोले पंडित जी अब शादी में आने से पहले बताना चाहिए था ना ये लेने वाले हैं। अब तो यहाँ पे हमको बिल्कुल ही बलि का बकरा ले आए हैं, उस समय तब बोल रहे हैं ये ले रहे हो, आपने चॉइस तो दो। तो वो चीज है अनेकों प्रकार के संकल्प आप लेते हैं, एक बार आपने दे दिया, आपका व्यक्तित्व ऐसा हो, कभी चिंता मत करना। अगर बोला है कि हमको जाना है आना है तो आंधी तूफान हो कुछ हो हम आएंगे, आपके वचन की ऐसी प्रतिबद्धता हो। धीमे धीमे अपनी संकल्प के प्रति आदर खुद करना सीखो, संकल्प में दृढ़ता रखना सीखो, आप ब्रह्मा जी बन जाओगे, जो चाहो सृष्टि कर सकोगे, ऐसी अद्भुत शक्ति सामर्थ्य सिद्धि प्राप्त हो जाएगी आपको। और हम तो अपने गुरुदेव को ऐसे ही देखते हैं, जो सोचा वो हो जाता है, उनके सोचने में बस विलंब होता है, वो जल्दी जल्दी सोचते नहीं, महाराज जी आप सो जाओ, सोच लो, आप आशीर्वाद दे दो कि ये जो है वो हमारे घर में प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगा, नहीं हम नहीं बोलेंगे, अरे नहीं महाराज जी बोल दो, नहीं बोलेंगे आप, क्यों नहीं बोलेंगे महाराज जी, मरे जा रहे हैं, तुमको पता नहीं है इस कष्ट में आशीर्वाद होता है, विषाद से भी योग होते हैं, तुमको पता नहीं है इसमें कृपा मिलने वाली है तुमको, अरे महाराज जी बड़ी कड़वी दवाई हम नहीं ले सकते हैं, उसे इंजेक्शन लगाएंगे फिर, ये समझ लेना, नहीं नहीं इंजेक्शन से तो बहुत डर लगता है, ऑपरेशन करेंगे फिर तुम्हारा, नहीं ऑपरेशन भी नहीं करो, आप बोल दो ठीक हो जाएगा, क्यों बोलते हैं हम तुम्हारे विकास को अवरुद्ध करेंगे अगर हम तुम्हारे जीवन में कोई संकल्प करके हस्तक्षेप करेंगे। हम तो तुमको यही सिखाएंगे कि जो हो रहा है उसमें पॉजिटिव सोचो, और अगर तुमको बदलना है तो स्पष्ट संकल्प करो, दृढ़ संकल्प करो, जैसा भविष्य चाहो बना लो अपना। तो ऐसे जो दृढ़ संकल्पी, संकल्प मात्र से सृष्टि करने वाले महा योगी इव, जो मायावी इव, उसी तरीके से सब सामने प्रकट कर देते हैं, और स्वतः सहज अवस्था में कोई संकल्प नहीं, अपने होने मात्र में संतुष्ट होते हैं। आत्मनि एव आत्मना तुष्टः,
स्थित प्रज्ञान तदोच्यते, जो अपने होने मात्र भी संतुष्ट होते हैं, उनको संकल्प की क्या जरूरत, उनको किसी सृष्टि की क्या जरूरत। जो अपने होने मात्र में संतुष्ट नहीं होते हैं, वो उनको ही कहा जाता है कि उनके अंदर अज्ञान है और उनको ही किसी न किसी के ऊपर आश्रित होना पड़ता है। तो बहुत बढ़िया श्लोक था दूसरा वाला। अब ये तीसरे वाले में हम लोग प्रवेश करें। इसके अंदर कहते हैं कि यस्यैव स्फुरणम् सदात्मकम् असत् कल्पार्थकम् भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेद वचसा यो बोधयति आश्रितान्। यो संस्कृत वर्ड है, यो कोई दूसरा शब्द नहीं है कोई। हाँ, बोलते हैं हाँ गुरु जी हैव यू अंडरस्टूड, या हैव अंडरस्टूड। तो या जो है इंग्लिश वर्ड है कि संस्कृत वर्ड है, या बोलते हैं या यो सब संस्कृत वर्ड है, सब लिए इन लोगों ने उधार। हाँ, और कॉपीराइट भी नहीं स्वीकार करते हैं कि हमने संस्कृत से लिए। तो यो बोधयति आश्रितान, यो शब्द यह संधि से यो हो गया है, यह बोधयति आश्रितान, जो अपने आश्रितों को बोधयति ज्ञान दे देता है। क्या ज्ञान दे देता है, बोलते हैं जहां पे वो पिछले श्लोक में अटका हुआ था। कौन सी जगह अटका हुआ था, बोलते हैं जिस समय बोल रहे थे कि ये पूरी सृष्टि तुमसे होती है, बोलते हैं नहीं गुरुजी हमसे नहीं होती है, भगवान से हुई है। तो भगवान को आज भी भगवान के नाम से सृष्टि बता दो तो फिर मुंडी क्यों हिलती है, और बोलो तुमसे हुई है, बोलते हैं नहीं हुई है। तो कहां अटकी हुई है गाड़ी, जीव ईश्वर के भेद में, भगवान तो हमसे अलग है। जब भी बोलते हैं भगवान तो कहां देखते हो, भगवान ये क्या कर रहे हैं आप। जिस समय सचिन सेंचुरी मारता है तो ऊपर देखता है, उसके भगवान ऊपर ही रहते हैं। कम से कम वो भगवान को देखने के लिए स्मरण करने के लिए सोचता तो है, इतनी तो खुशी की बात है। इतना अज्ञानी जरूर है कि भगवान ऊपर नहीं रहते हैं बादलों के परे। अगर रहते हो तो यार बड़े करोड़ों में तुम्हारे पास रॉकेट लेके जाओ, कभी मिल मिला के आ जाओ उनके पास, कहाँ ऊपर रहते हैं। और हमारे अभी तो रॉकेट क्या चंद्रमा क्या मार्स तक जा रहे हैं, वो इतने ऊपर चले गए अभी तक नहीं पहुंचे भगवान के पास, कहां ऊपर रहते हैं। और ऊपर नीचे सब देश का विस्तार है, तुम तो देश के उत्पन्न करने वाले मेरे भाई, कहां पे तुम भगवान के पास जा रहे हो। एनीवे वो अज्ञान है, और ये अज्ञान बहुत बड़ा अज्ञान होता है। अपने जीव भाव से परे जाके ईश्वर से एक होना, ये जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान होता है, इससे बड़ा ज्ञान कोई भी नहीं है। अब हर चीज में, जिस भी क्षेत्र में आप कोई दक्ष हैं, प्रवृत्तियां हैं, प्रेरणा है, प्रेम है, अब उस क्षेत्र में खूब आगे जाइए, प्रोफेशनल बनिए, स्पेशलिस्ट बनिए, सुपर स्पेशलिस्ट बनो, लेकिन वो ज्ञान आपके लिए कभी भी मोक्षदायी नहीं होगा।